मार्केट दे विच आ चुकी है। जिहड़े गुरमुख प्यारे प्राप्त करना चाहुंदे होण ओह गुरमत साहिब सदन श्री अमृतसर साहिब लंगर दे लागे उत्थों प्राप्त कर सकदे ने। हुण दास बेनती करे अति सत्कारयोग जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। उन्हां तों पहलां सन्मान किया जा रहा सिंह साहब जी का, बोले सो निहाल। दास बेनती करेगा सिंह साहब जी नूं कि उह संगतां नूं संबोधन कर जी। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे चवर छतर तखत दे मालक दो जहान दे वाले निमाणियां दे माण नितानियां दे तान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सात संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी दे महान अस्थान दे उते दमदमी टकसाल वालों आरंभ किए पाठ बोध समागम की समाप्ति हुई है। बड़ा वड्डा काज है और मैं इस काज दियाँ दमदमी टकसाल दे मुखी बाबा हरनाम सिंह जी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। इस समागम दीन दुनिया दे वाले धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित करवाया गया। मंच के उत्ते बड़ियां विद्वान सत्कारत शख्सियतां बैठियां ने। संसार के अंदर जिन्ने धर्म ग्रंथ है वो सारे बड़े सत्कार योग है और हर धर्म के अंदर दुनिया के विच संसार के विच जिन्ने भी धर्म है हर धर्म के अंदर दो प्रकार के ग्रंथ होंगे। विद्वाना ने दो प्रकार के ग्रंथ जिहड़े है वह मने है, एक श्रुति ग्रंथ दूसरे सिमृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ उन्हां ग्रंथां नूं कहा जाता है जिन्हां बारे धर्मां नूं मनण वाले लोग जिहड़े है वह प्रवान करते हैं कि यह परमेश्वर की बाणी है, परमेश्वर तो उतरे, यह रब्बी बाणी है। जिवें हिंदू धर्म के विच वेद जिहड़े ने बाणी
वेदां दे जिहड़े पाठी हुंदे सी ना ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਵੇਦ ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਤੁਰਵੇਦੀ। ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इस्लाम दे विच 14 साल विद्या दित्ती जांदी और उन्हां नूं कुरान दे जिहड़े पाठ है सीना बसीना चले आउंदे उह हूब हू रटाए जांदे ने, रटाए जांदे ने। इलाका वो है, बोली वो है, ये पाठ ही इदा करता अखर इदा पढ़ता है। जे कोई गोरा पाठ कर लग जाए कहेंगे तो गलत पढ़ता है क्योंकि गोरा जबान के उत्ते अखर घट चढ़ते हैं, असी माफ़ कर देने। पर इस्लाम दे विच ये चीज़ा माफ़ नहीं होंदिया। वह कहें नहीं, शुद्ध तैनू पढ़ना ही पेगा, चाहे तू किसी इलाके च रहना, चाहे तू पहाड़ च रहना, चाहे तू इंग्लैंड च रहना, अमरीका च रहना, तैनू तां असी प्रवान करांगे जे तू कुरान दीआं आयतां दा शुद्ध पाठ करेगा। पर साढ़े थोड़ा जहा इस पक्षों ढिला पाना है और पाठां नूं संभालना चाहिए। हाँ, असी एक गलों थोड़ा जहा अवेयर हाँ, एक गलों असी जिहड़ा थोड़ा सुचेत हाँ कि गुरबाणी दे विच असी कोई बिंदी टिप्पी की घाट बाद लिखती दे विच नहीं करते। कई बार बाणी लिखी आती है ना, असी देखते हैं बड़े ध्यान दे नाल चैक करते हैं, कितने सिहारी तो नहीं रहेगी, कितने औंकड़ तो नहीं रह गया, जां कितें औंकड़ लग तो नहीं गया, जां कितें बिंदी लग तो नहीं गई, जां कितें बिहारी लग तो नहीं गई, या बिहारी रह तो नहीं गई। असी पाठ का मिलान करके चंगी तरह जिहड़ा वह चैक करके फिर छपण वास्ते भेजते हैं भी बिंदी टिप्पी लग मात्र जिहड़ी है ये कितें रह ना जाए भाई, कितें ना आवे बिना लग मात्र तो बाणी जिहड़ी है छप जाए तो बाणी का अनादर हो जाए। इत्थों तक असी सही करते हैं, पर जो उचारण की गल आउंदी है उत्थे असी ढिल्ले पै जांदे हां, उत्थे असी थोड़े जिहे ढिल्ले पै जांदे हां भी कोई नहीं सिहारी रहेगी, कोई नहीं बिहारी रहेगी, कोई नहीं औंकड़ बोलता, कोई नहीं ना बोलिया, कोई नहीं। जबकि इस मामले दे विच भी पाठ उचारण के मामले दे विच भी सानू बिल्कुल उवें ही अवेयर रहना चाहिए जिवें असी लिखत पक्खों रहने। मैनू खुशी है इस गल की कि दमदमी टकसाल जिहड़ी है ये मुढ़ तो ही अपने स्थापना के समय तो ही इस गल लई कार्यशील है कि जिमें गुरबाणी लिखी गई है उमें केवल लिखी ना जाए बल्कि बोली भी जाए। जिमें गुरबाणी लिखी गई है उमें गुरबाणी केवल लिखी हो ना जाए बल्कि बोली भी जाए, और ये चंगी गल है, ये वधिया गल है। हाँ, असी व्याख्या करते हैं जो संगत नूं समझाउणा है, जो संगत नूं दसना है, उदों तुसीं जिवें मर्जी दसो, पर जदों तुसीं शुद्ध पाठ करना है, पाठ करना है तो उस वक्त तुहानू उवें ही जिहड़े लफज अखर जिहड़े है वो बोलने चाहिए है जिवें गुरबाणी दे विच लिखे हुए है। जिहड़े चंगे पाठी है सिहारियां तक औंकड़ तक बुलाउंदे आ और बुलाउणियां चाहीदियां, तां ही उह चंगा पाठी है जे सिहारियां तक बुला दिंदा है, औंकड़ तक बुला दिंदा है। ते बुलाउंदा भी इस ढंग दे नाल है कि पाठ पढ़न वाला जिहड़ा कितें माहर सुणन बैठा ना तो उन्हूं भी सुन के पता लग जाता है कि इत्थे औंकड़ लगे पाठी बोल रहे, इत्थे सिहारी ले बोल लगी है पाठी बोल रहे। सुनने वाला भी समझ जाता है, जिहड़ा सियाणा सुणोता हुंदा ना वह भी समझ जाता है। सो मैं क्योंकि बहुता लंबा समा नहीं रहना, जिवें महापुरखां ने दस्सिया कि लंगर की शुरुआत करनी है गुरु के महल विखे, जो साडा महान पावन स्थान है गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन प्रकाश। तो मैं सब तो पहला आप सारी संगत का धन्यवाद करदा जिन्होंने हाजरियां भरिया ने, उन्होंने संगतों का धन्यवाद जिन्होंने पाठ बोध समागम के हिस्सा लिया, जिन्होंने संथ्या दी है उन्होंने बहुत धन्यवाद।
मानयोग बाबा हरनाम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल उन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद। बड़िया सत्कारत हस्तियां बैठिया ने, मानयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी सुशोभित ने, सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहब सुशोभित ने, सिंह साहब ज्ञानी गुरमिंदर सिंह जी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी ग्रंथी सिंह ओ सुशोभित ने, ज्ञानी अमरजीत सिंह जी सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का। हुण संगत दे चरणां विच बेनती है।